আৱাজ নাই আই

उसे हम कहते हैं नेचुरल गैस सही कुदरती तौर पर इसका एक दूसरा नाम है इसका नाम है मीथेन गैस मीथेन कहने की वजह क्या है क्योंकि इसके अंदर जो मेजर प्रोपोर्शन है 94 से 96 के अंदर जो इस गैस के अंदर बेसिकली नेचुरल गैस एक मिक्सचर होता है इसमें 96 से 94 परसेंट जो गैसेस पाई जाती हैं 96 से 94 परसेंट जो गैस पाई जाती है वो होती है सी एच फोर यानी कि मीथेन गैस पाई जाती है सही है तीसरा नाम इसका होता है सुई गैस जो कि सिर्फ पाकिस्तान में है क्योंकि हमारे यहाँ 1952 में जो है बलूचिस्तान के इलाके सुई में सबसे पहले गैस डिस्कवर की गई थी वहाँ से गैस निकली थी इसलिए हम इसे सुई गैस का नाम देते हैं चौथा नाम है इसका मार्श गैस एम ए आर एस एच मार्श गैस इसका नाम है मार्श गैस क्यों कहते हैं क्योंकि नेचुरल गैस निकलती है ऐसी जगह से जहां से कोयला निकल रहा हो या जहां से आपके पास तेल निकल रहा हो पेट्रोलियम निकल रहा हो उन जगहों से गैस निकलती है और उन जगहों को बेसिकली कहते हैं मार्शी प्लेसेस तो इस वजह से इस गैस का एक और नाम पड़ा मार्श गैस बात यहां तक समझ में आ गई सबको यस सर चलिए स्टार्ट करते हैं लिख लेते हैं थोड़ा सा हम अपनी इस नेचुरल गैस के बारे में ये एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है कहा जा रहा है ड्यूरिंग द ड्रिलिंग ऑफ द ऑफ दोलियम गैस इज ऑपटेन यहां कॉमा लगा दीजिएगा पेट्रोलियम के बाद पेट्रोलियम यानी कि जब आप जमीन को ड्रिल कर रहे थे तो जमीन पे ड्रिल करने की वजह से हम चाह रहे थे कि इसमें से ऑयल निकल आए बेसिकली पेट्रोलियम निकल आए लेकिन पेट्रोलियम की जगह क्या निकल आया इंस्टेड ऑफ ऑयल यानी कि पेट्रोल यानी कि ऑयल की जगह पेट्रोलियम की जगह गैस इज ऑपटेन फ्रॉम द वेल वेल्स well बराद यहाँ पर कुआं है कुएं से वो जो तेल के कुएं जिनको कहा जाता है जो सऊदीया में सबसे ज्यादा हैं तो वो कुओं में से गैस निकल आए तो उसे हम कहते हैं नेचुरल गैस अच्छा दो तरह के कुएं होते हैं एक तेल का कुआं होता है और एक गैस का कुआं होता है दो तरह के वेल्स होते हैं एक ऑयल वेल होता है और एक गैस वेल होता है ऑयल वेल की खासियत ये है कि वो अपने अंदर से गैस भी रिलीज कर सकता है ऑयल वेल की खासियत क्या है कि वो अपने अंदर से गैस भी रिलीज कर सकता है यानी कि तेल के कुएं में से नेचुरल गैस भी निकल सकती है लेकिन लेकिन बात वही है कि जो गैस का कुआं होगा उसमें से तेल कभी भी नहीं निकल सकता बात समझ रहे हैं आप मेरी तेल के कुएं में से गैस निकलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे हम ये रहे हैं कि भाई जो गैस का कुआं होगा उसमें से तेल निकलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है कहा जा रहा है कि दिस गैस फ्रॉम वेल्स विच डू नॉट ईल ऑयल यानी कि वो कुएं जिनमें से तेल नहीं निकलता उनमें से गैस निकल रही है जो कि बहुत ज्यादा रिच होती है मीथेन में मीथेन में रिच होने से मुराद क्या है यानी कि इन कुओं के जो गैस है इस गैस के अंदर हायर प्रोपोर्शन में मीथेन गैस पाई जा रही होती है अब ये जो गैस होती है नेचुरल गैस ये दो तरह की होती है दो तरह की हमारे पास ये नेचुरल गैस पाई जाती है एक को हम कहते हैं ड्राई गैस और एक को हम कहते हैं वेट गैस ये ड्राई गैस और वेट गैस क्या है ये लिख लेते हैं इनके बारे में भी ड्राई गैस कौन सी वाली है कह रहे हैं द नेचुरल गैस इन विज द लो मॉलिक्युलर वेट हाइड्रोकार्बन आर प्रेजेंट जिसके अंदर लो मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं इसको कहते हैं हम ड्राई गैस तो लाजमी सी बात है वेट गैस क्या होगी बिल्कुल इसका अपोजिट ले लीजिए दोनों नेचुरल गैस ही हैं बस उनमें थोड़ा सा डिफरेंस अंदाज से बयान किया गया कि एक ऐसी नेचुरल गैस जिसके अंदर जो मोलिकुलर हाइड्रोजन uh, जो हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन uh, पाए जाएंगे उनका मोलिकुलर वेट लो होगा कम मोलिकुलर वेट्स वाले जो होंगे वो यहाँ पे पाए जाएंगे तो वो गैस कहलाती है ड्राई गैस जिसमें हाई मोलिकुलर वेट यानी कि बड़े मोलिकुलर वेट्स वाले हाइड्रोकार्बन पाए जाएंगे वो कहलाएगी वेट गैस सही भाई यहां तक नेचुरल गैस को आप ये नहीं कह सकते कि नेचुरल गैस जो है वो Uh, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स है ऐसा कोई सीन नहीं है नेचुरल गैस से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हासिल नहीं करते नेचुरल गैस खुद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके अंदर जो कंपाउंड मिले हुए होते हैं जो सब्सटेंसेस पाए जा रहे होते हैं वो मेजोरिटी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं बात यहां तक आपको मेरी समझ में आ गई सर यस सर गुड अच्छा सही आगे चलते हैं। अच्छा भाई अच्छा देखो आ, मैं इस बात को कोट कर दूट रब करते करते, करते तो चल मिनटों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को जिसका नाम है पेट्रोलियम जो कि हमारा नेचुरल सोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड में आखिरी टॉपिक होता है तो मैं पेट्रोलियम का इंट्रोडक्शन उसके बारे में ख़ास बुनियादी बातें आपको समझाऊंगा और अगर वक्त की मुनासबत रही तो एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास और होता है मैं उसको भी समझाऊंगा एक बड़ा जॉइंट टॉपिक है पेट्रोलियम के साथ उसमें पूरी एक पूरी कंप्लीट एक क्लास लगती है ना समझाने में ऑलमोस्ट ऑनलाइन के हिसाब से मैं बात करूँ तो एक पूरी क्लास लगेगी तो उसका एक रिकॉर्डेड लेक्चर मेरे पास है और बहुत अच्छे तरीके से उसमें सारे मामला लिखे मैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इन शजीज़ तो वो मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दूंगा जो पेट्रोलियम का वो आप सुनेंगे और अपने पास अच्छे तरीके से उसको नोट डाउन भी कर लेंगे अभी हम पेट्रोलियम स्टार्ट कर रहे हैं बात हो गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो पेट्रोलियम स्टार्ट करते हैं तो पेट्रोलियम के अंदर दो लफ्स है मेरा बेटा ये है एक लफ्ज पैट्रा ये निकलता है यहां से पेट्रा और एक ये लफ्ज निकलता है, ये निकलता है ओलियम पैट्रा मीनस होता है रॉक ओलियम होता है ऑयल तो पेट्रोलियम के लफ्जी माने क्या होगा पेट्रोलियम के लफ्जी माने क्या होगा रॉक ऑयल यानी पत्थरों से निकलने वाला तेल पत्थरों से निकलने वाला तेल इसे हम कहते हैं पेट्रोलियम सही है आइए जरा पेट्रोलियम के बारे में पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद इसको समझेंगे हम चलिए भाई ये सारी कहानी हमने लिख ली है अपनी पेट्रोलियम की कहा जा रहा है दैट पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन बहुत सारे एक लार्ज सोर्स है एक बड़ा सोर्स है हाइड्रोकार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करने का इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन विद स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ द कंपाउंड अच्छा हाइड्रोकार्बन हमने क्या सुना हमने पढ़ा भाई हाइड्रोकार्बन एक ऐसे कम्पाउंड को कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं लेकिन लेकिन मैं ये बिल्कुल इस डेफिनेशन को मैं कोट करूं कि ये डेफिनेशन सही है कि हाइड्रोकार्बन उसी को कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और मेनली इसके अंदर बात कही जाती है कि कैसा कंपाउंड जिसमें कोवलेंटली बॉन्ड कार्बन मौजूद हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं लेकिन हाइड्रोकार्बन के कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कार्बन हाइड्रोजन तो होते हैं उनके साथ साथ उनके अलावा नाइट्रोजन सल्फर या ऑक्सीजन में से भी कोई एक पर्टिकुलर एटम उस कंपाउंड में पाया जा रहा होता है बात समझते हैं आप मेरी यहां तक या नहीं समझे मैंने कहा कि पेट्रोलियम इज अ लार्ज सोर्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग द नाइट्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन एक बड़ा लार्ज सोर्स है हमारे पास हाइड्रोकार्बन को हासिल करने का ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसमें हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे निकलते हैं जिनमें नाइट्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन भी पाए जा रहे होते हैं सर ये तो हाइड्रोकार्बन का पार्ट ही नहीं है हाइड्रोकार्बन तो मतलब तो कार्बन और हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर तो नाइट्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन हमारे पास आ रहे हैं कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें नाइट्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन अटैच होते हैं हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ कह रहे पेट्रोलियम इज द मेन सोर्स ऑफ लिक्विड फ्यूल्स आज आप देख रहे हैं बाइक कार फ्यूल डलता है सी है एल है ये सारी चीजें आपके पास जो है वो अः नेचुरल गैस है सी तो एल लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ये सब आपके पास चीजें अलग अलग आती हैं ये जो गैसेस हैं ये भी बस बेसिकली समझ लो पेट्रोलियम से ही आ रही है हमारे पास हमारे पास कैरोसिन ऑयल आ रहा है जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं हमारे पास गैसोलीन जिसे हम बाइक में फ्यूल डलवाते हैं पेट्रोल है गाड़ियों में डलने वाला हाई ऑक्टेन पेट्रोल है जहाज़ों में डलने वाला फ्यूल है एयरक्राफ्ट फ्यूल जिसे हम कहते हैं इंजन में डलने वाला ऑयल है और मैं आपको बताऊं तो पेंट्स में डलने वाले जो आपके ऑर्गेनिक ऑयल्स होते हैं वो ऑयल्स हैं उसके अलावा आपके पास लुब्रिकेंट्स निकलते हैं उसके अलावा आपके पास पिच निकलता है इसमें से उसके अलावा पैराफिन वैक्स निकलता है इसमें से एसवेल्ट एक बहुत हाई ऑप्टेन फ्यूल होता है वो निकलता है इसमें से मैं और अगर इसको वाइड रेंज में ले जाऊँ तो बहुत सारे जो पेट्रोलियम मसनूत होती हैं जिसे हम कहते हैं ना पेट्रोलियम मनूआत पे कीमतें बढ़ गई तो वो तो नॉर्मल फ्यूल्स वगैरह का जिक्र करते हैं आ, मैं बात करूं तो वेस्लिन इसमें से वेस्लिन इसमें पेट्रोलियम से नहीं निकलती बेसिकली उसका जो एक वैक्स निकलती है उससे हम जनरेट करते हैं और मैं बताऊँ तो ख़्वीन के कॉस्मेटिक्स की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पेट्रोलियम से हासिल करते हैं तो ये क्या है पेट्रोलियम बेसिकली इतना जॉइंट इसका वास्ट रेंज है इसके अंदर तो ये है क्या चीज़ जमीन से जिस वक्त पेट्रोलियम निकलता है तो ये काला पानी होता है जैसे गटर का पानी बहुत गंदा बहुत गंदा बेकार चीज़ कोई काम नहीं आ सकती लेकिन इसी चीज़ को इस्तेमाल करके इसी चीज़ को प्योरीफाई करके साफ सुथरा करके इसमें से चीज़ों को अलहदा करके आप जो है वो उनसे बेहतरीन चीजें बनाते हैं आप देखते हैं कि यू जो है वो यूनाइटेड अरब एमरत जो है वो इतना अमीर मुल्क है वजूहत में क्या एक सबसे बड़ी वजह है टूरिज्म अ डिफरेंट थिंग लेकिन उनकी सबसे बड़ी वजह टूरिज्म जनरेट करने के लिए भी उनके पास जो पैसा था वो ऑयल से ही आया <coughs> बताया जा रहा है इज द मेन सोर्स ऑफ लिक्विड फ्यूल्स अबाउट सिक्सटी परसेंट सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट पूरी दुनिया का जो पेट्रोलियम है ना पूरी दुनिया का जो पेट्रोलियम है वो मिडिल ईस्ट में पाया जाता है मिडिल ईस्ट में आपके पास ही ये ही पड़ता है सही है जो सहराई इलाके हैं बेसिकली एंड द फिफ्टीन परसेंट इज इन द वेस्टर्न हेमस्फेयर बताया गया कि पंद्रह फीसद जो है वो पाया जाता है वेस्टर्न हेमस्फेयर यानी कि वेस्ट कंट्रीज के अंदर तो सर बाकी के जो पच्चीस बचे वो किधर गए साठ अगर ये हो गए पंद्रह ये हो गए पिछहत्तर हो गए बचे पच्चीस हो गए वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है मेजर प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ सिक्सटी परसेंट इज इन द मिडल ईस्ट फिफ्टीन परसेंट इज इन द वेस्टर्न हेमिसफेयर बात समझ में आती है यहाँ तक यस yes, सर किसी का कोई सवाल yeah. है कोई बात पूछनी है तो जल्दी से पूछ लो कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हो रहा है ये क्यों है वह क्यों है जल्दी पूछ लो कोई सवाल नहीं है चलिए आगे चलते हैं अब देखो पेट्रोलियम तो हमने हासिल कर लिया मिसाल के तौर पे मैंने अपने घर के बाहर ग्राउंड था मैंने उस ग्राउंड के अंदर जो है वो ज़मीन खोदी और उसमें से मेरे पास निकल आया पेट्रोलियम मैं तो अमीर हो गया लेकिन अभी मैं अमीर नहीं हूँ अभी फ़िलहाल मैं अमीर नहीं हूँ मुझे अमीर होने में टाइम लगेगा अमीर होंगे कैसे मैं पेट्रोलियम फ़िलहाल तो अभी निकल आया पेट्रोलियम लेकिन वो बेकार है वो मैं बेच नहीं सकता कि मैं पेट्रोल पंप वाले को बोलूँ आ जाओ भाई पेट्रोल ले लो मेरे से पेट्रोल ले लो पेट्रो ले लाइन नहीं लगा सकते मसला क्या है पुलिस तो आई जाएगी सबसे पहले खैर उसमें तो मसला कहां आएगा उसे हमने वो एक ब्लैक सा लिक्विड निकला है जिसे हम आसान पेट्रोलियम जब, जब जमीन से निकलता है तो हम उसे नाम देते हैं क्रूड ऑयल का क्रूड ऑयल का हम उसे नाम देते हैं जब जमीन से पेट्रोलियम निकलता है क्रूड ऑयल के माने होते हैं खाम तेल खाम तेल ये क्रूड ऑयल जमीन से निकलता है फिर इसे एक प्रोसेस से गुजारा जाता है बेसिकली उसके दो नाम है उस प्रोसेस के दो नाम है काम एक ही ए, नाम दो दो हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम भी कहते हैं उसे या उसका एक और नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम जैसे कल हमने कोल में पढ़ा था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इसी तरह से पेट्रोलियम के साथ होता है मैथमेटिक्स fraction में पढ़ा होगा बाय वाले जो है वो है, हमने पढ़ी नहीं है बेटा मैट्रिक में पढ़ी थी मैट्रिक से पहले भी आपने पढ़ी थी फ्रैक्शन का लफ्ज फ्रैक्शन कहते हैं डिवीजन यानी कि पार्ट्स कर देना टुकड़े कर देना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिस्टिल डिस्टिल वॉटर का नाम आपने सुना होगा साफ सुथरा पानी जिसे हम कहते हैं तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी टुकड़े कर, कर उन सारे टुकड़ों को साफ सुथरा कर दिया जाए और उनको सेपरेट कर दिया जाए पेट्रोलियम के बहुत सारे अलग अलग हिस्से निकलते हैं बहुत सारे इतने सारे मैंने आपको गिनवा दिए बात यहां तक सबको समझ में आई सर yes, सही है जो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम पढ़ना है इट विल बी आर द इट विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर वो मैं आपको रिकॉर्ड लेक्चर भेजूंगा अभी हम कुछ एक बात करते हैं बड़ी अहम वो अहम बात क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया लेक्चर तो पूरा नहीं करूंगा मैं उसका थोड़ा मैंने आपको बताया कि भाई पेट्रोलियम क्रूड ऑयल लिया जाता है उसको आप जो है वो एक प्रोसेस से गुजारते हैं पूरा वो प्रोसेस क्या है वो प्रोसेस हमारे पास होता है इसको हीट किया जाता है वेपर्स बनने लगते हैं हर अलग अलग चैम्बर में अलग अलग सब्सटेंसेस uh, को सेपरेट कर लिया जाता है पेट्रोल भी निकलता है उससे गैसोलीन भी निकलता है लेकिन मसला कहाँ आता है मसला एक जगह आता है कि भाई पेट्रोलियम में ना पेट्रोलियम की बात करूँ या मैं बात करूँ आपसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ रेंज होती है क्या होती है रेंज अब वट दिस रेंज मीन्स रेंज किसे कहते हैं रेंज के माने क्या है मैंने कहा एक कार्बन C1 मैंने कहा चार कार्बन तो C4 फोर हो गए मैंने कहा दस कार्बन मैंने कहा दस कार्बन तो C10 हो गए पच्चीस कार्बन तो C25 यानी कि एक कंपाउंड होगा कंपाउंड एक ही होगा लेकिन उसके अंदर कितने कार्बन मौजूद होंगे बोलो कितने कार्बन मौजूद होंगे एक ही कंपाउंड होगा उसके अंदर कार्बन की तादाद कितनी होगी 25 फाइव पच्चीस कार्बन मौजूद होंगे यानी कि ये एक जाइंट कंपाउंड है यानी कि ये एक जाइंट कंपाउंड होगा मैं आपको एक कंपाउंड बनाकर दिखाऊं सिर्फ ये दस कार्बन है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ये है सी टेन दस कार्बन कितने हैं ये दस कार्बन है और हाइड्रोजन कितने इनके साथ हैं बाईस हाइड्रोजन है बात समझा है मेरी दस कार्बन है और बाईस हाइड्रोजन मौजूद है इनके साथ ये एक बड़ा कंपाउंड है याद रखना जितना बड़ा हाइड्रोकार्बन होता है उतना ज्यादा बेकार हाइड्रोकार्बन होता है जितना बड़ा हाइड्रोकार्बन होता है उतना हमारे लिए कामयाब और काम का हाइड्रोकार्बन नहीं होता जितना छोटा हाइड्रोकार्बन होता है उतना फायदेमंद होता है उतना ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला हाइड्रोकार्बन होता है बड़े हाइड्रोकार्बन काम के नहीं है छोटे हाइड्रोकार्बन काम के होते हैं बात यहां तक समझ में आती है आपको मेरी अब जो अगला प्रोसेस हमारे पास होता है जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम है जिसमें हम पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल को लेते हैं और अलग 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 हिस्सों में तोड़ देते हैं अलग अलग हिस्सों में उसे बांट देते हैं और बांटने के बाद जो है हम उसको इस अंदाज से सेपरेट करते हैं कि अलग अलग चीजें हमारे पास निकल कर आती हैं कैरोसिन ऑयल और मोटर ऑयल इंजन ऑयल एयरक्राफ्ट ऑयल और एयरक्राफ्ट इंजन ऑयल और ट्रैक्टर ऑयल और गैसोलिन और मोटर बाइक फ्यूल्स और इस तरह से बेतहाशा आपके पास फ्यूल्स निकल कर आती हैं, वो सारी चीजें हमारे पास निकल कर आती हैं, इसी तरह के हम हाइड्रोकार्बन को तोड़ते जा रहे होते हैं छोटे छोटे करते जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास मसला क्या है कि ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम का टॉपिक होगा इस जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस से हम पेट्रोल हासिल करते हैं आप जानते हैं आपके अपने घर में बाइक कार जो भी है अल्लाह आसानी फरमाए सबके घर में गाड़ियां होती हैं बाइक्स होती है कराची में बेबहाल लोगों के पास बाइक्स हैं पूरे पाकिस्तान में बेशुमार लोगों के पास बेतहाशा लोगों के पास गाड़ियां और बाइक्स है पूरी दुनिया में सोचिए कितनी गाड़ियां और कितनी बाइक्स और कितनी कार्स और कितने एयरप्लेन चल रहे हैं सबको चलने के लिए पेट्रोल चाहिए और यही पेट्रोलियम था जिसे साफ सुथरा करके हम पेट्रोल निकाल रहे थे मसला कहां आता है जब हम पेट्रोल निकालते है न, जिसे हम रहे हैं ना गैसोलीन सिर्फ वो प्रोसेस कितने परसेंट दे पाता है सिर्फ ट्वेंटी परसेंट दे पाता है, है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम का प्रोसेस बाकी परसेंट हमें अभी भी चाहिए तो एट्टी परसेंट के लिए क्या करेंगे

ताकि हम बासानी उन्हें इस्तेमाल कर सकें अब वो जो बड़े हाइड्रोकार्बन्स को छोटा करने का प्रोसेस है उसका नाम क्या होता है उसे कहते हैं क्रैकिंग क्या कहते हैं उसे क्रैकिंग का नाम देते हैं साथ साथ मेरे लिखते चलिएगा कह रहे हैं क्रैकिंग इज डिफाइंड एज द ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज ऑफ द मॉलिक्यूलोकार्बन इन टू दाइड्रोकार्बन की हाइड्रोकार्बन का एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा हाइड्रोकार्बन का एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल को हमने तोड़ देना है कितने हिस्सों में दो अलग अलग तरह के हिस्सों में हम उसे तोड़ेंगे और हम उसे तोड़ देंगे सेचूरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बहुत बड़ा मॉलिक्यूल नहीं ले रहा इस वक्त एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा मॉलिक्यूल ले रहा हूं इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन इस कंपाउंड का नाम क्या है ब्यूटेन नाम है इसका आप देख रहे हैं इस पूरे हाइड्रोकार्बन में दो तरह के बॉन्ड्स हैं एक तरह के बॉन्ड्स कौन से हैं वो बॉन्ड्स हैं जो कार्बन और कार्बन के दरम्यान है वो बॉन्ड्स हैं जो कार्बन कार्बन के दरम्यान में है और वो बॉन्ड्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरम्यान में है तो दो तरह के बॉन्ड्स हैं तो अब ये जो क्रैकिंग होती है ये क्रैकिंग भी दो तरह की होती है क्रैकिंग कितनी तरह की होती है दो तरह की होती है यानी कि ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड सॉरी ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड बात यहां तक आपको मेरी समझ में आई दो तरीके से आप क्रैकिंग कर सकते हैं कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ते हैं और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ते हैं आइए लिख लेते हैं जल्दी से सर सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब आ, ये मैं ऐसे समझा दूं कि अभी पूरी तरह से बात समझ में आएगी नहीं सैचुरेटेड और अनसेचुरेट ये दो टाइप्स हैं हाइड्रोकार्बन्स की बस इसको इतना समझो ये हाइड्रोकार्बन्स की दो टाइप्स होती हैं फिलहाल इतना समझो इसको एक पूरा चार्ट हम वो डिस्कस करेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि सैचुरेटेड क्या होता है और अनसेचुरेटेड सर ये बिल्कुल सामने सामने लिखने हैं नहीं बेटा ये मैंने लिखे मेरा बोर्ड छोटा है आपकी कॉपी छोटी है क्या करूं मेरा बोर्ड छोटा है हमें तो लिखना पड़ेगा ना सामने सामने अगर फॉर एग्जाम्पल क्लास एंड होती है आ, मेरा टॉपिक एंड नहीं हो पाता और क्लास एंड हो जाती है तो बराए करम दोबारा से ज्वाइन करना होगा हमें दो ही मिनट के लिए भले करना पड़े लेकिन करना पड़ेगा कहा जा रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड की ब्रेकिंग में एक काम करो क्लास रिज्वाइन कर लो फिर बात समझाता हूं मैं दोबारा से आ जाओ